फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। खैर, आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करना चाहती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी सारी बातों से एग्री करूं और आप मेरी सारी बातों से एग्री करें। लाइक हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं या कोई डिस्कशन होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होती है, तो ऑलवेज़ वी आर एग्री टू डिसएग्री ना। इसमें फिर क्या होता है कि आपकी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर वही वाली बात जो मैंने कल की वीडियो में कही थी कि हमारे पास यहाँ लोगों में ईगो बहुत है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके अंदर ईगो है ना कि यार क्या ये बंदी एक वीडियो बना के डाल देती है और उसमें जो है ये लेक्चर दे रही होती है। आई नो, लोगों की मेंटालिटी के बारे में मैं जानती हूँ कि यहाँ पर लोगों की क्या सोच होगी, मतलब हमारे पास लोगों की क्या सोच होगी ना, मैं उसको जानती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं ख़ुद कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में बड़ी हुई हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कोई भी हम अगर किसी को कोई नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, या हम अगर किसी को कोई अच्छी बात बता रहे हैं, या हम अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या अपनी जो भी थॉट्स हैं या कोई अच्छी बातें हैं हम किसी सोशल नेटवर्क पे हम शेयर कर रहे हैं, किसी सोशल नेटवर्क पे, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हम शेयर कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया या इंस्टा हो गया, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, लोग जाएंगे बाकी चीज़ों की तरफ। मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, और अच्छी बात है कि वो वीडियोस बना रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बट ये है कि हम जो हैं ये भी सोचें कि यार सही क्या है और गलत क्या है ना, सही और गलत के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। मतलब हम सबकी सोचने की एक अलग तरीका है, और स्पेशली हम देसीज का सोचने का एक अलग तरीका है। देसीज आई मीन टू से पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, ठीक है, इवन देसी हम श्रीलंकन्स को भी कहते हैं, बट उनको इतना देसी नहीं कहा जाता जितना पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी को देसी कहा जाता है ना, ठीक है। तो हम जो ये तीन कंट्रीज़ हैं जो हम साथ में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो हमारा एक देसी सोसाइटी है, देसी मेंटालिटी है, देसी कल्चर है, ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं और बहुत सारी बातें बुरी भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें बुरी हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें अच्छी हैं। अब एक बहुत ही छोटी सी मिसाल है, ठीक है, हमारे पास मतलब स्मार्टनेस की और फूलनेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। स्मार्टनेस और फूलनेस मीन्स के एक बंदा जो है, ठीक है, वो सच बोलता है, अपने काम की चोरी नहीं करता है, किसी का हक नहीं खाता है, तिकड़मबाजी नहीं करता है, टाइम का पाबंद होता है, ठीक है, और वो जॉब कर रहा है या वो कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, वो पूरी सच्चाई पूरी ईमानदारी से कर रहा है, वो कहीं पे जा रहा है तो वो टाइम पे आ रहा है, ठीक है, वो इंसान अपनी बीवी से इज़्ज़त से बात कर रहा है, ठीक है, उसको इज़्ज़त दे रहा है, अपनी बहन को इज़्ज़त दे रहा है, अपनी माँ को इज़्ज़त दे रहा है। बहन माँ को तो खैर ज़्यादातर लोग इज़्ज़त देते हैं बट बीवियों को नहीं देते, ठीक है, बीवी को इज़्ज़त दे रहा है, तो लोग बोलेंगे यार ये तो मम्मी डैडी है। मम्मी डैडी का वर्ड आपने सुना होगा, यार ये तो जोड़ू का गुलाम हो गया ना बंदा, ठीक है, ये तो जोड़ू का गुलाम हो गया, ये तो मम्मी डैडी, इसको तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, ये तो दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो भाई, और जो वो इंसान मम्मी डैडी हो गया और बेवकूफ़ हो गया, फूल हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा इंसान है, भाई झूठ बोल रहा है, तिकड़मबाजी कर रहा है, वक्त की पाबंदी नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना कोई भी काम है वो टाइम पे नहीं कर रहा है, ठीक है, अपनी जॉब है वो जॉब में डंडी मार रहा है, सही है, वो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ठीक है, लोगों को फंसा रहा है, उनके पैसे खा रहा है, ठीक है, लोगों के हक को मार रहा है। ऑन द अदर हैंड अपनी अपने घर में अपने घर की औरतों से बदतमीज़ी कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीवी अगर उसकी अच्छी है, ठीक है, ईमानदार है, और वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि यार मत करो तुम ऐसा ना, तो वो उसी को वो बोल रहा है, उसी को वो गालियां दे रहा है, ठीक है, उसी को वो इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, उस इंसान को कहा जाता है कि यार ये इंसान तो ना बहुत अकलमंद है और बहुत स्मार्ट है। मतलब आप लोगों की नज़र में जो इंसान सच बोलता है, जो सच का साथ देता है, जो टाइम का पाबंद होता है, वो मम्मी डैडी हो गया, ठीक है, वो बेवकूफ़ हो गया, सही है, और वो अगर अपनी बीवी की इज्जत करे तो वो जोड़ू का गुलाम हो गया। बट आप लोगों की नज़र में वो इंसान
अकलमंद है जो झूठ बोलता है, ठीक है, जो अपने काम को सही से नहीं करता, काम की चोरी करता है, ठीक है, लोगों के हक को मारता है, ठीक है, इधर की बात उधर करता है, अपनी बीवी की इंसल्ट करता है, आप लोगों की नज़र में वो इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अकलमंद है। तो यार हम देसियों को ना, ठीक है, डेफिनेशन ही नहीं पता है, डिफरेंस ही हम देसियों को नहीं पता है कि यार क्या डिफरेंस है एक सच्चे इंसान में और एक झूठे धोखेबाज इंसान में ना, एक ईमानदार इंसान में और एक उस इंसान में जो कि हर काम में चोरी करता है, उसकी डेफिनेशन हम देसीज को नहीं पता है, ठीक है। अब आई डोंट नो कि मतलब किस तरीके से आप लोग उसको कहते हो कि यार ये इंसान देखो ना, मतलब वाह 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 यार, इसने तो गाड़ी भी बना ली, इसने तो बंगला भी बना लिया, ठीक है, इसने तो क्या कहते हैं कि बैंक बैलेंस भी बना लिया, ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक दूसरा बंदा है, ठीक है, उसके पास नॉर्मल सी गाड़ी है या उसके पास नॉर्मल सा घर है, तो आप लोग कहते हो अरे इसके पास क्या है ना, अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, इसको देखो और उसको देखो। भाई जिसने इतना बनाया ना, उसने झूठ पे बनाया, उसने धोखे पे बनाया, ठीक है, उसने तिकड़मबाजी पे बनाया। जिसने नहीं बनाया, क्योंकि वो ईमानदार था, वो झूठ नहीं बोलता था, ठीक है, वो हर काम ईमानदारी से करता था। तो ईमानदारी से जब हम काम करते हैं ना, तो वो काम हल्के हल्के होता है, ठीक है, स्लोली स्लोली वो काम होता है उसमें। यहाँ पर सक्सेस स्लोली होती, बट एक वक्त में सक्सेस होती है, ये नहीं कि नहीं होती है, ठीक है। बट जो इंसान झूठ बोलता है ना, धोखा देता है, उसकी जो सक्सेस है ना वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, जल्दी 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 उसकी सक्सेस होती है, सही है। और उसके बाद जी लोग बैठ के जी तालियां ठोकते, वाह भाई, मतलब इस इंसान जैसा तो कोई इंसान ही नहीं ना दुनिया में। मतलब हम लोग वही कल वाली बात कि हम कहाँ से सोचते हैं, हमारी सोच क्या है और हम कहाँ से सोचते हैं, मतलब कि हमें एक बेसिक फ़र्क नज़र नहीं आता कि यार कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सच्चा इंसान बेवकूफ़ है, मम्मी डैडी है, ठीक है, जो इंसान क्या कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो इंसान बहुत स्मार्ट है, वो इंसान बहुत चालाक है। स्मार्ट होने में बुराई नहीं है, स्मार्ट इंसान को होना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट इंसान को होना चाहिए, स्मार्ट होना एक अलग चीज़ है, झूठ बोलना, धोखा देना ये एक अलग चीज़ है। बट हमारे वाले उन्होंने ना हर चीज़ को ना मिक्स कर दिया है, मतलब हर चीज़ की उन्होंने ना क्या बोलेंगे, चार्ट बना दिया, आप बोल दो ना, चार्ट में सब चीज़ें मिक्स होती हैं ना, चार्ट बना दिए या खिचड़ी बना दी है, मतलब हमारे वालों के मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि यार व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, ये एक चीज़ हम में बड़ी है। तो आई डोंट नो आप लोगों का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखें जिस तरीके से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, वैसे आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते हैं, बट मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगी, गलत होते देखो तो आँख बंद नहीं करो, ठीक है, उसको गलत होने ना दो। हमारे पास लोग जो है ना वो गलत होता देखते हैं और वो आँख बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ तो नहीं होना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह नहीं करे कल को वो आपके साथ भी हो सकता है यार, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी भी एक्स वाई जी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वो एक मम्मी डैडी था ना, जो मम्मी डैडी था, ठीक है, जिसको मम्मी डैडी कहते हैं, जिसको हम बेवकूफ़ कहते हैं, जिसको हम जोरू का गुलाम कहते हैं, ठीक है, वो इंसान जो है ना हेल्प करेगा, वो इंसान कभी गलत का साथ नहीं देगा। अगर किसी से गलत होते हुए वो इंसान देखेगा तो वो स्टेप उठाएगा, वो सोचेगा कि इसके साथ गलत नहीं हो, और वो इंसान उस इंसान के साथ गलत होने नहीं देगा। बट जो हमारी सोसाइटी में, हमारी देसी सोसाइटी में जो इंसान जिसको हम कहते हैं जी महान है, बहुत स्मार्ट है, वो हर गलत का साथ देगा, वो हर उस चीज़ का साथ देगा जो चीज़ गलत होती है। अगर किसी के साथ गलत होता है ना, तो वो कभी भी उस गलत को रोकेगा नहीं कि यार आप ये अगले बंदे के साथ गलत करें, क्योंकि वो सेल्फिश होगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। तो खैर आप भी मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर कर सकते हो, और मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। खैर आप भी मेरे साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है,
मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। और बाकी चलें अब बंद करते हैं और फिर किसी और दिन या किसी और टाइम पे मैं वीडियो बनाती हूँ। चलें अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।